रिजवान का आरोप, सपा पूर्व महानगर ने कराई डील। कांग्रेस प्रत्याशी हाजी रिजवान कुरैशी ने शनिवार को पत्रकारों के सामने आरोप लगाया है कि हाजी यूसुफ और रितेश गुप्ता में समझौता हुआ है। उन्होंने डील कराने में पूर्व महानगर अध्यक्ष श्वेत पाशा पर अहम किरदार निभाने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि महापौर प्रत्याशी आसमा असलम द्वारा मतगणना को कोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाजी यूसुफ ने कहा कि वे वकीलों से सलाह करने के साथ जरूरी प्रपत्र जुटा रहे हैं, जिसके बाद याचिका दायर की जाएगी। याद रहे कि शहर से भाजपा के रितेश गुप्ता 782 वोटों से चुनाव जीते हैं। इससे पिछले चुनाव वर्ष 2017 में भी रितेश गुप्ता ने हाजी यूसुफ को पराजित किया था। मैंने साहब जो मुरादाबाद की जनता को योगी सरकार का, योगी जी का, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाकर छलने का काम समाजवादी के लोगों ने किया है, उसके लिए मैंने आपको याद किया है। और मैं ये कहना चाहूंगा इस शेर के माध्यम से, कभी मक्कार कहता है कभी अय्यार कहता है, जसारा देखिए उसकी तरह बाजार कहता है। इससे ज्यादा बेहयाई क्या होगी, जो खुद कौम का गद्दार है वो हमें गद्दार कहता है। हाजी यूसुफ अंसारी साहब को 1,46,000 वोट लगभग यहाँ के मुरादाबाद के मुसलमानों ने दिया, बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा मुसलमानों ने दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, हिंदू की बात करती है, और जब सबसे ज्यादा अगर छलने का काम किसी ने हिंदू को किया है वो भारतीय जनता पार्टी है। समाजवादी पार्टी हमेशा मुस्लिम की बात करती है, मगर अगर मुसलमानों को किसी पार्टी ने छलाया तो वो समाजवादी पार्टी। दोनों ने एक दूसरे का डर दिखा करके और सरकार बनाने का दावा करते हुए यहाँ के वोटों को पोलराइज किया। हिंदू भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, मुसलमान समाजवादी के साथ चला गया, मगर उसके बाद भी हमारे बुजुर्ग यूसुफ अंसारी साहब की बदकिस्मती देखिए, 782 वोट से हार गए। और हार स्वीकार करते हुए बड़ी खुशी से, बड़े गर्व से वहां से निकले। एक लफ्ज उन्होंने नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी के विधायक के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ऐसा कौन सा डर था, ऐसी कौन सी मजबूरी थी, ऐसा कौन सी पर्देदारी थी जो 15 से 20 मिनट तन्हाई में यूसुफ अंसारी साहब रितेश गुप्ता जी के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं। हालांकि मेरी बात हुई रितेश जी से, वो हंस रहे थे, उन्होंने ये कहा तो भाई मुझे बधाई देने के लिए वो आए थे और इससे ज्यादा हमारी कोई बात नहीं हुई। तो ऐसी कौन सी बधाई थी जो 15 से 20 मिनट में तन्हाई में दी गई, वो हम भी जान लें। 1,46,000 लोग मुरादाबाद के जान लें जिन्होंने अपने आप को ठगा सा, छलावा सा महसूस कर रहे हैं। और आज 2 दिन बाद यूसुफ अंसारी साहब कह रहे हैं कि हमें बेईमानी से हराया गया। तो ऐसी कौन सी मजबूरी, ऐसा कौन सा डर था कि डीएम साहब से उन्होंने कहा कि नहीं हम मंजूर है आपकी गिनती और आप इसे डिक्लेयर कर दें। ये सवाल मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगा और मैं चैलेंज करना चाहूंगा आपके चैनलों के माध्यम से कि आने वाला मेयर का चुनाव है, यूसुफ अंसारी साहब निर्दलीय चुनाव लड़े, मैं भी निर्दलीय चुनाव लड़ता हूं उनके सामने। पता लग जाएगा मुरादाबाद की जनता किसके साथ है और क्या है।